आजमगढ़ शराब कांड में अब कोर्ट का फैसला ये आया है कि जो मुख्य आरोपी नदीम है उनके घर को कुर्क किया जाएगा। अभी मेरे हाथ में अखबार है, हिंदुस्तान का आज का अखबार है, और हिंदुस्तान में क्या लिखा गया है पहले वो आपको सुनाते हैं। फूलपुर तहसील रुपईपुर निवासी अवैध शराब के कारोबारी चार भाइयों की करीब 68 लाख की संपत्ति कुर्क होगी। जिला अधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है। ये कुर्क की जाने वाली संपत्ति का तहसीलदार फूलपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया है। अहरावला थाना क्षेत्र के माहुल बाजार में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो गई थी। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान का अखबार है, 8 लोगों की मौत नहीं हुई थी बल्कि 8 से ज्यादा लोगों की हुई थी। करीब करीब 10 से 11 लोगों के घर तो हमारी टीम गई थी और वहां की रिपोर्टिंग की थी। तो खबर पहली बात तो ये गलत है हिंदुस्तान की कि 8 लोगों की मौत नहीं और ज्यादा लोगों की हुई थी। हालांकि कुछ अखबार लिख रहे हैं कि 15 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग अखबार लिख रहे हैं इससे ज्यादा की, जो भी हो, लेकिन मुद्दे की बात अभी ये है कि घर कुर्क होना है नदीम का। 68 लाख की करीब संपत्ति बताई गई है। नदीम के चारों भाइयों का ये पूरी संपत्ति थी जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है सरकार के द्वारा। और कहीं ना कहीं ये सराहनीय कदम भी है माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग मरे हैं, मुआवजा उनको मिला है या नहीं मिला है वो तो अलग मुद्दे की बात है, लेकिन मुआवजा हालांकि पीड़ित परिवारों को नहीं मिला है। अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है। अभी खबर ये भी आ रही है कि जो मेडिकल हॉल थे माहौल में उसको भी शायद बुलडोजर गिरवाया जाए, या खबर अभी पक्की नहीं है, ऐसी खबर सुनने में आ रही है। लेकिन ये कन्फर्म हो गया है कि कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में संपत्ति कुर्क होगी। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार करीब करीब 68 लाख की संपत्ति है जो कुर्क होनी है। लेकिन हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट और है जिसमें लिखा गया है कि केवल 8 लोगों की मौत हो गई है। ये गलत बात है। आप देख रहे हैं खेल नीति। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।